करी बनाने के लिए 4 बॉयल किए हुए अंडे, जिनका छिलका उतार दें, एक बड़ी प्याज, एक गांठी लहसुन, एक छोटी गांठ अदरक की जिसका हमने पेस्ट बना के पहले से तैयार कर रखा है। इसके लिए लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर भी 1 चम्मच ले लें, हल्दी पाउडर भी 1 चुटकी, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। एक एग को फ्राई करने के लिए और एग करी बनाने के लिए एक ही तेल का यूज़ करेंगे, तो 100 ग्राम तेल ले लें, सरसों का, एक कटा हुआ टमाटर, एक छोटी कटी हुई प्याज स्लाइस में, थोड़ा सा कटा बारीक हरा धनिया, 1 कप पानी, 1 चम्मच नमक। अब गैस जलाकर कढ़ाई को गर्म होने रख दें और इसमें गरम तेल होने के लिए 100 ग्राम तेल डाल दें। जब तेल गर्म हो जाए तो थोड़ी सी प्याज डालकर देखें कि वे फ्राई होने लगी है, तो इसमें सारे उबले हुए अंडे फ्राई कर लें। इसको सब तरफ चलाते रहें ताकि अंडे हर तरफ फ्राई हो जाए और गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये अंडे देखिए इस तरह से गोल्डन हो जाए तो इनको बाहर निकाल लें। इस तेल को चेंज नहीं करना है, इसी तेल में बाकी भी करी बनानी है। इसी कटी हुई स्लाइस प्याज डालें, तेल वही रखना है। प्याज को चलाएं, इसको गोल्डन होने तक तेल में प्याज को भूनें। अब जो पेस्ट हमने तैयार किया था अदरक लहसुन प्याज का, इसको इसमें मिलाएं। अब जो सूखे मसाले हैं, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सभी मसालों को इसी पेस्ट में मिला दें और अच्छे से चलाएं। 1/2 कप पानी मिला दें। जब मसाला भुनने पर आ जाए तो इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल दें और उसे चलाएं। टमाटर गलने के लिए इसे 2 मिनट के लिए ढक दें और आंच धीमी कर दें। अब हम 2 मिनट बाद खोल कर देखेंगे कि हमारा मसाला भुनने पर आ गया है और टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक भी कर सकते हैं, और इसे अच्छे से तेज आंच पर भूनें। मसाला भुनने पर थोड़ा सा धनिया इसमें हरा डाल दें, जिससे अच्छा फ्लेवर और अच्छी खुशबू आती है। मसाला भुनने की पहचान होती है तेल और मसाला। जब अलग अलग हो जाता है तो मसाला हमारा पूरी तरह से अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें जो हमने फ्राई किए हुए अंडे रखे हैं वो मिला दें और इसे 2 मिनट तक चलाएं। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल के खौल आने तक इसको पकाएं। अब हमारी एग करी सर्व करने के लिए तैयार है। इस
इसे 2 मिनट तक पकाना है और इसे फिर सर्व कर लीजिए किसी बाउल में निकाल कर। आपकी एग करी तैयार है। अब इसमें हरी धनिया से गार्निशिंग कीजिए। और यदि आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें। थैंक यू।